हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ हूं और एक नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूं, ये FND T60X से रिलेटेड वीडियो है। दोस्तों ऑलमोस्ट मुझे 1 ईयर हो गया इसको यूज करते करते, तो आज मैं आपको इसके यूजर रिव्यू के बारे में बताने वाला हूं कि इसमें मुझे क्या अच्छा लगा है क्या बुरा लगा है। 1 साल ऑलमोस्ट जैसे मैं बता ही चुका हूँ हो गया है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और एंड तक इस वीडियो को देखते रहिए, और लास्ट में मैं आपको एक इसका वेस्ट टेस्टिंग का फिर वीडियो दिखाऊंगा, तो आप उससे कंपेयर कर पाओगे कि स्टार्टिंग में मैंने जो फर्स्ट वीडियो डाला था और अभी वीडियो डाल रहा हूँ कि 1 साल के बाद इसकी आवाज़ में कोई अंतर आया है नहीं। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए और एंड तक इस वीडियो को देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल अजय टेक में। दोस्तों जैसे कि मैं बता ही चुका हूँ, मुझे ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है इस होम थिएटर को लेके। तो कई सारे लोगों ने कई सारे कमेंट करके मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे कि सर ब्लैक कलर ब्राउन कलर में अंतर बता दीजिए। दोस्तों कोई अंतर नहीं, हार्डवेयर दोनों का सेम है, आप कोई सा भी कलर परचेज कर सकते हो। फिलिप्स और इसमें अंतर आप पूछते हो, दोस्तों फिलिप्स भी अच्छा है ये भी अच्छा है, 19-20 का अंतर लगता है, क्योंकि मैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पर जाता हूँ। दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता दूँ, जो आपका फिलिप्स जो इस्पा 9080 इसी का ही एक कंपटीटर है, जो शायद 12-13 हज़ार में मिलता है, ये अभी आपको 9,500 में मिल जाता है अभी ऑनलाइन आपको इसको परचेज करते हो तो। और दूसरी चीज़ सबसे अच्छी इसमें बात ये है कि दोस्तों उसका जो RMS वैल्यू है, टोटल आउटपुट है, वो 90 वॉट का है, जबकि इसका 110 वॉट का है। मुझे दोस्तों यही सबसे बड़ा अंतर दिख जाता है। फिर लोगों का मानना है कि फिलिप्स अच्छी कंपनी है, FND अच्छी नहीं है। दोस्तों वो अपना अपना व्यू है, पर मैं अपना जो बता रहा हूँ दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा होम थिएटर है, 1 साल मुझे हो गया है। अब ये तो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड वो रही। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मुझे अभी क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है इस होम थिएटर से। दोस्तों प्रॉब्लम तो बहुत कम है, पर फिर भी मुझे बताना था कि क्या क्या इसमें प्रॉब्लम हुई है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात, NFC जो इसमें दिया गया मैं उसको यूज नहीं कर पाया हूँ। और दूसरी चीज़, इसका जो माइक है, माइक की थोड़ी कनेक्टिविटी है, अगर आप दूर चले जाते हो या आपके रिमोट का सेल वीक है तो वो कनेक्शन छोड़ जाता है। और रिमोट से और जो आपका उसका वॉल्यूम है, जैसे आप ये चाहो कि आप हम माइक का वॉल्यूम कम कर लें और उसके बाद गाना तेज आवाज़ में बजता रहे, तो ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि माइक और इसका वॉल्यूम दोनों एक साथ बढ़ा सकते हो आप, दोनों सेम वॉल्यूम से कम ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों ये था। और इसमें और मुझे क्या, जैसे मैंने आपको बताया है कि इसका जो साउंड क्वालिटी है, साउंड क्वालिटी में कोई अंतर नहीं आया है, क्योंकि अब मुझे तेज़ आवाज़ पे इसको सुनता रहता हूँ तो। और दोस्तों मैं अपना पर्सनल व्यू आपको बताऊँ, ये मुझे होम थिएटर मैं बता ही चुका हूँ, काफ़ी टाइम हो गया यूज करते करते, जो भी इसकी आवाज़ सुनता है आके वो मुझसे यही बोलता है कि पहले तो मुझसे अपना पूछता है कि हमें एक होम थिएटर लेना है, ये मेरा बजट है, 5,000 का मेरा बजट है, 6-7 हज़ार का बजट है, अपना बजट बताता आके। फिर मैं उससे बोलता हूँ कि आप यार ऐसा करो, तो मेरे यहाँ देख लो आके, मेरा होम थिएटर अगर अच्छा लगे तो देख लो, उसकी आवाज़ तो मैं सुना देता हूँ। तो दोस्तों जो भी इसको सुनता है आके, वो कहता है कि अनबीटेबल साउंड है इसकी, जबरदस्त है, औसम है, जिसका बजट 7,000 रुपये होता है, 5 से 6,000 रुपये बजट होता है, वो ना थोड़ा अपना और खींचतान के यहाँ तक पहुँचा देता है, और ये T60X के लिए वो एग्री कर देता है। तो दोस्तों साउंड बहुत अच्छी है इसका, होम थिएटर जबरदस्त है। और मैं क्योंकि मैं यहाँ अकेला रहता हूँ मेरे घर में, तो यहाँ फुल वॉल्यूम पर बजाता हूँ, कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और कंटिन्यू बजाता हूँ, रात रात भर मेरा ऑन बना रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ना कोई दिक्कत नहीं आई इससे रिलेटेड। और साउंड भी अभी मुझे वैसी लगती है। और अगर नहीं बिलीव हो रहा तो दोस्तों मैं अभी एक गाना प्ले करने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए इस गाने को, एंजॉय करिए।
अच्छा दोस्तों, इसकी आपको फील हो रही होगी दोस्तों इसमें।